बीच बाजार हाथ जोड़े ये हैं हाल ही में लाल बत्ती पर अधिकार करने वाली शिव सरकार की मंत्री मीना सिंह। मंत्री जी, जनता जनार्दन का अभिवादन नहीं कर रही हैं, बल्कि साहब हाथ तो जोड़े हैं पिंड छुड़ाने के लिए। चलिए मसला बताते हैं। दरअसल महोदया बड़े ही जोश से अपने क्षेत्र पहुंची, लेकिन मामला थोड़ा उलझ गया। यहाँ लंबे वक्त से भरा पड़ा एक संघ कार्यकर्ता फूट पड़ा। सबके सामने स्थानीय भाजपा नेताओं पर समाज सेवा की नौटंकी करने का आरोप जड़ते हुए जमकर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। दीदी ये बताइए, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, ये सब भाजपा के जितने लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। शिवराज जी मर रहे हैं, मोदी जी मर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए। एक 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 मोहल्ले में आधा आधा किलो चावल बांट के खुश हो जाते हैं। नहीं आप नहीं, आप काम कर रहे हैं, मानपुर में मुझे सब रिपोर्ट है आपकी। ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ना शंभू खट्टर कर रहे हैं, ना ये अग्रवाल जी कर रहे हैं। हम बताते हैं ना, मैं देखा हूँ मैडम, प्रवासी मजदूर आते हैं उनको भूखे मर रहे हैं, वो लोग उनको वाहन तक नहीं दिलवाते हैं ये लोग। ये क्या मतलब निकलता है इन लोगों का, मैं बताऊंगा शिवराज जी को। नहीं दीदी ये करने चलेगा, मैं भी आरएसएस का हूँ, मैं आरएसएस का सिपाही हूँ। नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, दो दो किलो चावल बांट के अपने खुश हो रहे हैं, करोड़ों रुपया कमाए हैं इन लोगों ने। नहीं नहीं ये कोई मतलब नहीं हुआ, अरबों खरबों रुपया लोगों ने कमाया है भाजपा के नाम पर, और आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं जब पूरा देश मर रहा है, पूरी दुनिया मर रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तनावपूर्ण हालात बनते देख मंत्री जी ने हाथ जोड़कर मौके से निकल जाने में ही भलाई समझी। मामला मध्य प्रदेश की उमरिया का है। मीना सिंह ने शिव बाबू की सरकार में चंद दिनों पहले ही एंट्री ली है। मीना सिंह उन किस्मत वालों में से हैं जिन्हें आश्चर्यजनक तरीके से शिव की कैबिनेट में जगह हासिल हुई। तो साहब मसला गुटबाजी का था, लेकिन बात भाजपा के लिए चिंता वाली है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार बढ़ रहा ये असंतोष भाजपा के लिए उफ भारी पड़ सकता है।